बेगूसराय से कटिहार तक क्वालिटी प्रोटीन मकई का उत्पादन होता है। मक्का उत्पादक किसानों को 2019 में 2200 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल कीमत मिली थी, लेकिन कोरोना के संक्रमण काल में 850 रुपए प्रति क्विंटल भी कोई व्यापारी लेने नहीं आ रहा। भागलपुर में गंगा नदी के उत्तरवर्ती इलाके के लाखों हेक्टेयर में केला का भी उत्पादन होता है, लेकिन इस बार श्रावणी मेला का आयोजन बिहार और झारखंड में कोरोना महामारी के कारण स्थगित किया गया। नतीजा, जिस केले के एक खाने की कीमत 2019 में 250 रुपए मिला करती थी, 2020 में महज 75 रुपए प्रति खाने केला उत्पादक किसान बेचने को मजबूर है। बीहपुर के बाद कोशी नदी को नाव से पार करते हुए गोविंदपुर पहुंचे। 1000 वोटर वाले ऋषिदेवों की बस्ती गोविंदपुर को कोशी नदी की तेज धार काट रही थी। गांव के लोग अपने मकान के खंडहर के बचे दीवार पर बैठ अपनी किस्मत को कोस रहे थे। 200 की संख्या में प्रवासी मजदूर गांव वापस लौटे थे, लेकिन उन लोगों का गांव तो कोशी नदी में विलीन हो रहा था। गाँव वाले उजड़ के कहाँ बसेंगे उसका भी ठिकाना नहीं है। पूछने पर कहते हैं कि जहाँ जाते हैं जमीन वाले खदेड़ देते हैं। कोरोना काल में किसानों का संकट, मजदूरों के गाँव पर संकट जो कहानी बयां कर रही है, वह कोविड-19 का बड़ा अभिशाप दिख रहा है। खरीदार ना आवे छे, कोई व्यापारी ना आवे रहल छे। का है 100-800 मकई मांगे रहल छे, किसान मरले न छे सर। हाँ, ये बीचों में 2500-2400 मिले पर क्विंटल जी। अबरी बार अबरी साल से 1000 नहीं लगे छे।